बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अब कहीं ना कहीं वापस से अपने लय में आ चुके हैं, यानी कि अपने फॉर्म में वापस आ चुके हैं। 2018 की जीरो के बाद से वो कहीं ना कहीं दूर जा चुके थे, ऐसा लग रहा था फिल्मों से, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लेकर खुद को वापस से रिफॉर्म करने की कोशिश में थे, यानी कि खुद को तोड़ के फिर जोड़ने की कोशिश में थे। और जो इंसान थोड़ा सा वक्त लेके ऐसा कुछ करता है वो फिर बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, यानी कि खुद को ये समझना बहुत जरूरी है या समझाना कि मेरी फिल्में आखिर इतनी मेहनत करने के बावजूद क्यों नहीं चल रही है, क्या वजह हो सकती है, क्या चीजें हो सकती है। एनीवेज, अब शाहरुख खान के पास जो प्रोजेक्ट्स है वो तो मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड का हर एक एक्टर या इंडियन सिनेमा का हर एक एक्टर उसके सपने देखेगा, लेकिन उसके पास वो फिल्में नहीं होंगी। मैं बात कर रहा हूं शाहरुख खान की अभी की फेहरिस्त की तीन बड़ी फिल्मों के बारे में, और जैसे कि डंकी है, राजकुमार हिरानी उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, एटली की फिल्म जवान है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं अभी, और यशराज बैनर की पठान है। तो ये शाहरुख खान है, और जितने बुरे वक्त थे इनके या उनकी बेटे की जिंदगी में वो सब उड़नछू हो चुके हैं। अब शाहरुख खान 2023 में सुनामी लाने वाले हैं बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शंस की। एनीवेज, बात करते हैं जवान के बारे में। जवान के बारे में ये अपडेट पता चली है दोस्तों कि इस फिल्म के एंटोगोनिस्ट यानी कि विलन की तलाश फिलहाल हो रही है, और इस मामले में राणा दागुबट्टी जो जिसे हम भलाल देवा के नाम से हिंदी ऑडियंस जानती है ज्यादा बेहतर, विराट पर्वम उनकी हाल फिलहाल में एक फिल्म रिलीज भी हुई थी, तो भलाल देवा यानी कि हमारे राणा दागुबट्टी को अप्रोच किया गया, लेकिन उनकी डायरी काफी बिजी शेड्यूल से भरी है, आने वाले 2-3 साल वो काफी बिजी है, इसलिए इस फिल्म के लिए सेकेंड और बेस्ट ऑप्शन जो लगा मेकर्स को या फिर एटली को वो लगा है विजय सेतुपति। अभी विक्रम में भी नजर आए थे और कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, इसके अलावा मास्टर फिल्म में वो नजर आए थे, सुपर डिलेक्स कई से कमाल की फिल्म है, 96 उनकी फिल्मों का या उनके एक्टिंग का मैं दीवाना हूं। विक्रम वेदा उनका हिंदी उन्हीं की फिल्म का हिंदी रिमेक भी बन रहा है, इससे जेम ऑफ एन एक्टर। सो विजय सेतुपति जवान फिल्म में विलन बनने वाले हैं, ये ऑफिशियल खबर नहीं है दोस्तों, लाइक मी अगेन क्लियर यू, बट एक बड़े पोर्टल ने इस बात की जानकारी दी है और ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है, तो ये खबर कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं ये गलत ना हो। अब इस फिल्म में शाहरुख खान एक अलग तरह के रोल एक अलग तरह के अवतार में नजर आ रहे हैं, और जिनके पोस्टर ने बहुत ज्यादा भूचाल ला कर रख दिया है, वन ऑफ द बेस्ट पोस्टर्स ऑफ 2022 वो जवान का था, कमाल का बीजीएम था, कमाल का पोस्टर था वो मोशन पोस्टर, और वाकई में अभी भी वो पोस्टर अगर आप देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचिए जब ट्रेलर आएगा फिल्म आएगी तो क्या होगा। जून 2023 की रिलीज डेट फिलहाल प्लान है, ये वाकई में मेरे ख्याल से बॉलीवुड की पहली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, 5 लैंग्वेज में रिलीज होने वाली, लेकिन फिलहाल इस फिल्म में हीरोइन जो होने वाली नयनतारा होने वाली है शाहरुख खान के साथ, और विलन विजय सेतुपति, ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। तो दोस्तों आपकी क्या राय जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल बटन आइकन दबाना ना भूलिएगा। फिलहाल काफी ठंडी ठंडी खबरें आ रही है, तो उसमें से एक गरम गरम खबर है ना, मैं सोचा आपको दे दूं और आपको आई होप अच्छा लगे, और जिसे भी इसके बारे में कुछ अपडेट और आएगा या आपको पता चले तो मुझे जरूर इत्तला करिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।